So now let's start with the topic flora and fauna. First, we will talk about flora. The grasslands vary in size from country to country and they are known by different names across the world. Aur inke naam bhi alag alag hote hain har jagah. They are known as, jaise ki prairies bolte hain North America mein, pampas and grand chaco in South America, and steppes in Russia, welds in South Africa and downs in Australia. So you have to remember all these names. And the vegetation here consists of short grass, thorny bushes and shrubs. यहाँ की जो वेजिटेशन होती है वहाँ पे छोटी छोटी घास होती है, कांटे वाले बुशेज होते हैं और श्रब्स होते हैं. The grasslands grow tall in prairies and short in steppes. जो यहाँ की grasslands होती है prairies में लंबी होती है, बड़ी होती है, और steppes में छोटी होती है. Okay, the different grasses keep changing color according to seasons. अब जो different अलग अलग grasses हैं वो अपने रंग बदलती रहती हैं seasons के हिसाब से. Spring में grass green होती है, समर में ग्रास ब्राउन होती है और विंटर में तो मरी जाती है. अल्फाल्फा इज अ न्यूट्रिएंट रिच पाउडर ग्रास. इसमें बहुत न्यूट्रिएंट होता है इस ग्रास में. ये ग्रो करती है कॉमनली इन द प्रेरीज एंड पंपास. इट ऑल्सो ग्रोज क्विकली, बहुत जल्दी ग्रो करती है, एंड इज अ नेचुरल बून. एंड बिकॉज ऑफ द पेस्टोरल इंडस्ट्रीज थ्राइव इन दीज रीजन्स. और इसी वजह से यहाँ पे पेस्टोरल इंडस्ट्रीज थ्राइव करती है इन रीजन्स में. Now let's talk about fauna, which is related to animals. Temperate grasslands are home to diverse variety of animals. यहाँ पे बहुत सारे animals का घर है, because temperate grasslands में animals रह सकते हैं. In temperate forests of the northern hemisphere की अगर बात करें तो यहाँ squirrels बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे बड़े बड़े large animals होते हैं, like bisons, grizzly bears, rattlesnake, bald eagles, hawk and lark. Southern hemisphere में क्या होता है, llamas and anacondas ये पाए जाते हैं. ऑस्ट्रिच सबसे लार्जेस्ट लीडिंग स्पीसीज ऑफ बर्ड है, एक बर्ड होता है ऑस्ट्रिच. एंड ऑस्ट्रेलिया इज होम टू, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, वॉलबीज एंड कोलास. मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज स्वालो आर ऑल्सो फाउंड. और बहुत सारे यहाँ पे बर्ड्स पाए जाते हैं जो दूसरी कंट्री से एक कंट्री में ये लोग ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं. उनमें से एक है स्वालो. आई होप दिस इज क्लियर. सो फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल्स.